नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले के गड्डूपुरा गांव में सैकड़ों लोग पार्वती नदी के घाट पर खुदाई में लगे हैं। दरअसल यहां अफवाह फैल गई है कि नदी में पुराने जमाने के सिक्के मिल रहे हैं। देखते ही देखते एक के बाद एक गांव के सैकड़ों लोग नदी खोदने के लिए पहुंच गए। लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी किस्मत चमकेगी और उन्हें सिक्का मिल जाएगा। सर, ये मछुआरे आए थे यहाँ पर, हाँ। तो मतलब 5-6, 7-7 साल के बच्चे, हाँ। बस उनको मिला था सर। अच्छा, हाँ, मछली पकड़ने वाले। फिर ये खबर फैली और सभी लोग, हाँ, गांव में खबर फैली, तो ये कम से कम 5-6 गांव के जो भी है, हाँ। सब टोटल आ गया, हाँ। बर्थडे खुदाई चल रही है, हाँ। जितना जिनको मिल रहा है कि कोई 5-6 दिन हो रहा है, उनको नहीं मिल पा रही। ये अफवाह थी या हकीकत पता नहीं, लेकिन एक के बाद एक गांव के लोग पार्वती नदी में सोने के सिक्के को खोजने के लिए निकलने लगे। पिछले 5 दिन से यहां बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, जिनमें बड़े, बच्चे और महिलाएं सभी अलग अलग जगह नदी को खोदते हुए नजर आए। सोना चांदी निकाल रहे हैं। निकला है कि कुछ मिला है? सर, अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे आए? सर, हम के नाम से आशा लगा के आए सर, सब लोग जा रहे हैं तो इस कारण हम भी आए। आपने देखा किसी कुछ मिला जी आपके सर? सामने क्या मिला? सर, वो सिक्के मिले हैं। अच्छा जी सर। तो आप भी वही ढूंढ रहे हो यहाँ पर? जी सर। कब से तलाश रहे हो? सर, आज ही आए हैं। कितनी दूर है गांव? सर, यहाँ से 35 किलोमीटर। ये लोग यहाँ इस नदी में सोने और चांदी के सिक्के तलाश रहे हैं, और ऐसा करते सभी को एक हफ्ता होने को है। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कई लोग देखे जा सकते हैं, जो मिट्टी की खुदाई इसी उद्देश्य से करते हैं कि उन्हें चांदी या सोने के सिक्के मिल जाएं। वहीं एक शख्स ने कहा कि यहाँ मंदिर नदी में समा गया है, उसी की संपदा लोगों को मिल रही है। पुराना मंदिर है, पत्थर देगा, हम ना अनुमानित कह रहे हैं कि कोई भी पुराना मंदिर था तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी। चढ़ावे में कुछ भी आता है वो जब करार ढसल दी जाएगी और नदी चौड़ी होती जाएगी, मंदिर अंदर दब गए। ये आपका ये अनुमान है कि यहाँ पे मंदिर जो है नीचे मंदिर है और ये उसी की संपदा है जो अब निकल रही है? संपदा अब निकल रही है। ये कुछ अवशेष भी मिले हैं, निकले हैं क्या मंदिर के? अब ये तो कुछ मालूम नहीं, हम भी देखने के लिए आए हैं। बता दें कि सूचना के बाद सीहोर पुलिस भी जांच करने पहुंची थी, और मामले की जानकारी जब राजस्व विभाग को लगी तो वहां पटवारी भी देखने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां सिक्के वगैरह तो नहीं मिले। गांव के लोग बड़ी संख्या में खुदाई करते हुए नजर आए। 3-4 मंदिर हो गए जब खबर लगी थी परसों, मुझे तो मैं खुद ही गया था वहाँ पे, तो लोगों से चर्चा की मात्र अफवाह है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो वहाँ पे सुल्तानपुर गांव है अहमदपुर में, तो उधर से भी TI साहब ने 2-3 गाड़ी भेजी, उनको भगाया, इधर से हमने समझाया तो फिर तो रुआई नहीं, तो चले जाते। एक आध आदमी आ जाता है, अफवाह उड़ा दिए कि यहाँ सिक्के मिल रहे थे, अभी तक तो ऐसी कोई सामने आई नहीं चीज़। इस सूचना में कोई पुरातत्व विभाग से या कोई जिला प्रशासन से कोई आई? प्रशासन तो आ गया था, पटवारी वगैरह सब वही थे शुरू से, वही मुझे मिले भी थे, प्रशासन से थे। कुछ सत्यता है इसमें क्या? नहीं, कोई सत्यता नहीं। पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें वहां पहुंची थीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। हम इस संबंध में भी जांच कर रहे हैं कि सिक्के मिले तो किसको मिले, और नहीं मिले तो ये अफवाह कहाँ से फैली। हालांकि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद लोग खुदाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।